तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक मैन है, वो एक सिस्टम में यहाँ पर है। मैन ऑफ मास एम स्टैंडिंग ऑन ए फ्रेम ऑफ मास कैपिटल एम। ऐसा एक सिस्टम है, देख रहे हो, ऐसा एक सिस्टम है। यहाँ पर एक होल क्रिएट कर देता हूँ जिससे स्ट्रिंग पास होगी, और एक आदमी यहाँ पर आ गया, और ये यहाँ से ऐसे गई है, और ये यहाँ एक पुली लगा हुआ है, और ये पुली यहाँ से एक स्ट्रिंग पास होती है, और ये स्ट्रिंग जो है, ये वाली स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग यहाँ से एक आदमी यहाँ से पकड़ लेता है। दिस इज़ द मैन। ये एक ऑब्जर्वर है जो स्ट्रिंग को यहाँ से पकड़ के खींच रहा है, ठीक है ना। तुम सोच रहे होगे कि आदमी भी क्या चीज़ होता है, खींचना था तो इस सिस्टम में जाके खींच रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है, क्वेश्चन सेट किया गया है, बनाया गया है, तो ये पुली। अब ये मैन है, इस मैन का मास स्मॉल एम है, एंड द पूरे फ्रेम, इस पूरे फ्रेम का मास कैपिटल एम है। हैंग बाय ए लाइट पुली मासलेस अदर एंड अटैच द फ्रेम द सिस्टम इक्विलिब्रियम, व्हाट फोर्स मस्ट मैन एग्जर्ट ऑन रोप। तो ये जो रोप है, इस रोप पर आदमी कितना फोर्स लगा रहा है, तो इस रोप पे आदमी उतना फोर्स लगाएगा जितना रोप उसके ऊपर लगाएगी, मतलब टेंशन। तो अगर इसमें टेंशन तुम निकाल लोगे तो टेंशन ही तो आदमी के ऊपर फोर्स लगा रही होगी, और उतना आदमी ही लगा रहा होगा उसके ऊपर। तो कुल मिला के हमें टेंशन निकालना है सिस्टम में। ये तो बात क्लियर हो गया। चलो, तो सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ आदमी को। आदमी को अगर मैं बाहर यहाँ निकालूँ, दिस इज़ द मैन, स्मार्ट मैन। तो ये यहाँ से अगर आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो ये जो आदमी है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो इसके हाथ पे देख रहे, पकड़ के खींच रहा है ना, पकड़ के खींच रहा है। तो नीचे जब खींच रहा पकड़ के, तो टेंशन इसके हाथ को ऊपर खींचेगा यार, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अवे। और ये जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे ये खड़ा है, वो ग्राउंड इसके ऊपर नॉर्मल एक ऊपर लगाएगी, नॉर्मल ऊपर लगेगा। और इसको अर्थ भी तो खींच रही होगी ये स्मॉल एम जी से, और ये कहीं जा नहीं रहा, इक्विलिब्रियम मेंटेन है। तो नॉर्मल प्लस टेंशन की वैल्यू स्मॉल एम जी के इक्वल हो गए, मतलब यहाँ नॉर्मल की वैल्यू स्मॉल एम जी माइनस टेंशन के इक्वल आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से जनरेट हो गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट जनरेट हो गया, ये सारी चीज़ें। तो अगर तुम बात करोगे यहाँ से, अब बॉडी फ्रेम के बारे में बात करो, ये जो बड़ा वाला फ्रेम है इसके बारे में बात करो, और अगर ये बड़ा वाला फ्रेम है इसके बारे में तुम बात करोगे ये वाला, तो इसमें जो टेंशन है, कौन कौन से फोर्सेज इसमें लग रहे हैं, तो हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग। तो इसमें टेंशन टी ऊपर लग रहा है, टेंशन टी ऊपर लग रहा है, ये वाली चीज़। और यहाँ पे तुम देखोगे इस फ्रेम के पास अपना मास है, तो कैपिटल एम जी नीचे लग रहा होगा। और इसके अलावा तुम देखोगे यहाँ पे नॉर्मल, क्योंकि ये आदमी के ऊपर लगाया था, तो आदमी इसके ऊपर लगाएगा। तो ये पूरे इस फ्रेम का फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब इक्विलिब्रियम है। तो टेंशन बराबर होगा कैपिटल एम जी प्लस नॉर्मल के। तो टेंशन निकालना तो हमें, तो कैपिटल एम जी प्लस नॉर्मल की वैल्यू ऊपर से रख दो, स्मॉल एम जी माइनस टी, मतलब 2 टाइम्स टी इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और मल्टीप्लाई कर दूँ जी से, मतलब टी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 g कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा, सॉल्व हो गया होगा। अरे बाप रे बाप, कोई मैच तो किया, ए ऑप्शन सही है। तो अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।